हेलो गाइस, आज मैं फिजियोथेरेपी कराने जा रही हूँ अपने एल्बो जॉइंट की, क्योंकि मेरे इस एरिया में बहुत दिनों से पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया जाए और कुछ ट्रीटमेंट किया जाए यहाँ पे। मुझे लाइक कुछ काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लाइक बर्तन होना, कपड़े धोना, ऐसे निचोड़ने में। तो आज थोड़ा मैं इसकी सोची ट्रीटमेंट करवाऊँ फिजियोथेरेपिस्ट से और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक होता है या क्या। तो हेलो गाइस, मेरे पास आज ही पेशेंट आए हैं। इनके लेटरल एल्बो, जहाँ पर हमारा ये ईसीआरपी मसल होते हैं, लेटरल एपिकोंड्राइलाइटिस जिसे बोलते हैं, वहाँ पर इनको पेन हो रहा है। और पेन तब होता है जब ये कोई काम करती हैं, स्पेशली या बर्तन धोते टाइम, रोटी बनाते टाइम, या कपड़े भी चोटते टाइम, जैसी पर के ऊपर उठाती हैं, जिसमें रिस्ट मूवमेंट आता है, उसमें इनको यहाँ पर बहुत सीवियर पेन होता है और फिर इनसे कुछ किया नहीं जाता है। तो आज मैंने इनको डायग्नोज किया है, तो मेरे डायग्नोज में ये आया है कि इनको लेटरल एपिकोंड्राइलाइटिस, यानी कि इनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है। तो मैंने अब जो इनको आज बेसिक ट्रीटमेंट दूंगा सिर्फ पेन, ताकि इनका कुछ 10-20-30% पेन रिलीफ हो, फिर उसके आगे मैं इनको बाकी ट्रीटमेंट दूंगा। तो आज जो मेरा फर्स्ट है ट्रीटमेंट, वो पेन मैनेजमेंट है। तो मैं इनको यहाँ पर 10 मिनट का अल्ट्रासोनो थेरेपी इस जगह पर दूंगा, और फिर इनको एडवाइस करूँगा कि घर जा करके 30 मिनट्स आइसिंग करें और उसको हर 3 घंटे में रिपीट करें। और फिर नेक्स्ट डे मैं इनकी बाकी इस टेंडरनेस पॉइंट को और रिलीज करूँगा और इनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह कराऊँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेनिस एल्बो कब होता है। टेनिस एल्बो तब होता है जब ईसेंट्रिक फोर्स ईसीआरपी मसल, यानी कि मसल्स पे जब ईसेंट्रिक फोर्स ज़्यादा इंक्रीज होता है, तब ये टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंड्राइलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए देखिए मैं इनको अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे करता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट मैं इस एपिकोंड्राइलाइटिस पे लेटरल एल्बो पे मैं पहले ये जेल यूज करूँगा, अल्ट्रासोनोग्राफी जेल, और फिर उसके बाद मैं ये डाइक्लोरोपेनिक सोडियम जेल यूज़ करूँगा। मैं बेसिकली इनको आयनोफोरेसिस दे रहा हूँ ट्रीटमेंट, जो कि इनका इन्फ्लामेशन जो इस जगह पे होगा वो ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली इनका पेन भी कम होगा। तो ये मैंने यहाँ पर जेल, और मैंने जेल अल्ट्रासोनो जल यूज़ कर दिया है, और ये डायनापार, और अब मैं इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी देने जा रहा हूँ। तो ये अल्ट्रासाउंड का हेड है जो मैं इनके लेटरल एपिकोंड्राइल पे प्लेस करूँगा, उसके बाद मैं मशीन में सेटिंग करूँगा एंड ऑन करूँगा। इसमें इंटेंसिटी में 0.8 रखूँगा। ये स्टार्ट हो गया, अब मैं इसको कंटिन्यूसली 10 मिनट्स तक इस एरिया पे सर्कुलर मोशन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में रबिंग करूँगा। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये डैमेज टिश्यूज को ये रिपेयर करता है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, और जो टॉक्सिक टिश्यू होती है जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह, उन सबको ये रिमूव करता है। तो इसके थ्रू ये जो उनका पेन हुआ वो रिलीज हो जाएगा। सो मैम, कैसा लग रहा है आपको? मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो इनको तो अच्छा लग रहा है। तो इनका मोस्टली 10 सेकेंड्स में इनका पेन ये चला जाएगा, क्योंकि इनको बहुत जल्दी आई है, एक्यूट फेज ही है अभी। तो 10 सेकेंड में इनका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये वापस अपने जो भी डेली टू डे के काम होते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनको क्या क्या ट्रीटमेंट्स देंगे।